सो दोस्तों आज हम देखेंगे कि एवीएफ वर्सेस टीकेआर के बीच जो मैच होने जा रही है, ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे और कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर को हमको अपने टीम में सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाएगी जिस टीम में मिलेंगे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है। ठीक है, तो ये मैच जो है 4:30 AM में होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो है टोटल मैचेस 9 खेले गए हैं। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 8 मैचेस विन किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 1 मैच विन करा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल टाई मैचेस की, तो टोटल टाई जो है यहाँ पे 0 हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज जो स्कोर यहाँ पे बन सकता है वो 149 है और हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे बने हैं 179 है 4 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट स्कोर जो है 47 है 10 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे विकेट जो है काफी अच्छे खासे गिरते हैं इस बीच में। और कहाँ पे मैच हो रही है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस पिच है और यहाँ पे आपको पेसेस बॉलर स्पिनर्स बॉलर दोनों का कमाल देखने को मिलेगा और साथ में बैट्समैन का भी कमाल देखने को मिलेगा। ऐसे बैट्समैन जो कि काफी अच्छे खेलते हैं, एग्रेसिव मोड में खेलते हैं, वो अच्छे खासे आपको रन बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न। तो स्कोरिंग पैटर्न जो है कुछ इस तरह से 150 के नीचे जो है 9 टाइम रन बने, 150 और 69 के बीच जो है यहाँ पे 2 टाइम रन बने, 170-89 के बीच जो है यहाँ पे 1 टाइम रन बने और यहाँ पे जो है 190 के अबव जो है 2 टाइम रन बने हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रन बने हैं 150 के आसपास रन बने, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि 140-159 के आसपास जो है यहाँ पे आराम से रन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर जो कि यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। वैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में कैसा स्कोर रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो एवरेज जो स्कोर यहाँ पे रहता है वो 142 रहता है। ठीक है, एवरेज विकेट जो है 7 रहता है और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 119 रहता है। तो एवरेज विकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट तक जो है आराम से गिर जाता है। तो ऐसे बॉलर्स को आपको सेलेक्ट करना है जो कि अच्छे खासे विकेट निकालते हैं। ठीक है, और ऑलराउंडर को। तो चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड इनिंग, तो सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करें तो 118 रहता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज जो विकेट है यहाँ पे 6 है और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 114 है। तो एवरेज स्ट्राइक रेट आपने यहाँ पे देखा जो फर्स्ट इनिंग का है जो, तो वो है 119 और यहाँ पे जो है 114 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग में काफी कम देखने को मिल रहा होगा स्ट्राइक रेट, विकेट और रन भी, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट इनिंग में। तो जो भी यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने आएंगे वो यहाँ पे मैच विन करके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लाउडी वेदर देखने को मिलेगा, 100% क्लाउड रहेंगे, विंड स्पीड जो है 1 km/h की स्पीड से चलेगी और रेन परसेंटेज 0 है, बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर बारिश होती है तो आप ऐसे सिचुएशन में जो है पहले देख लेंगे कि लाइनअप देता है कि नहीं देता है, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल 11 की बात करें एबीएफ की, तो पॉसिबल 11 कुछ इस तरह से, इसमें से कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्वेल एंड्रू जो है इसको आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, कोफी जेम्स और यहाँ पे जस्टिन ग्रिव्स जो है आपको काफी अच्छे करके दे सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक को ड्रॉप करने का है तो आप यहाँ पे जो है इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं जस्टिन ग्रिव्स को। ठीक है, और यहाँ पे जो है फखर जमान को आप अपने टीम में सिलेक्ट करेंगे और फखर जमान को यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने टीम में कर लेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इमाद वसीम को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, इमाद वसीम और फखर जमान। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं फैबियन एलन और क्रिस ग्रीन, तो यहाँ पे जो है आप एलन को सिलेक्ट करेंगे, क्रिस ग्रीन को आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा बॉलर में मोहम्मद आमिर, तो मोहम्मद आमिर को आप अपने टीम में सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे एक टीम मिल जाएगी जिस टीम में आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीकेआर का टीम जो कि आपको यहाँ पे पॉसिबल 11 टीम मिल रही होगी देखने को। तो इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जैसन रॉय, भाई जैसन रॉय को आप अपने टीम में सेलेक्ट भी करेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर लेंगे जो कि आपके लिए सबसे बैटर रहेगा। सुनील नारायण को तो कैप्टन वाइस कैप्टन करना ही करना है आपको, काफी अच्छा खेल के ये दे सकते हैं। और यहाँ पे निकोलस पूरन उभरता हुआ सितारा है, भाई निकोलस पूरन ये काफी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर आप 5 से 6 टीम बनाते हैं तो, नहीं तो जो है आप इनमें निकोलस पूरन और जैसन रॉय या फिर सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है
कैसे काटी को जो है आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे किरण पोलार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने टीम में सिलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। और यहाँ पे नाथन एडवर्ड को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा यहाँ पे बॉलिंग में जोशुआ लिटिल, ठीक है। और यहाँ पे ड्वेन ब्रावो जो है ब्रावो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जोशुआ लिटिल को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं बॉलिंग से अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको फ्री में एसएल टीम और जीएल के टीम मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे सोशल मीडिया के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, ये हमारा ऑथेंटिक और जेन्युइन टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करें आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इधर उधर से या फिर सर्च करके अगर आप जाते हैं, मान लीजिए इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन कुछ इस तरह से हमारा है, तो इस तरह से अगर आप सर्च करके जाते हैं तो कई सारे ऐसे फेक चैनल बने हुए जहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, उससे बेटर रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लिंक से हमें ज्वाइन करें जहाँ पे फ्री टीम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड अपडेट सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है, और हमेशा मिलता है, चाहे मेरे वीडियोस आए या ना आए आपको टीम मिलती रहती है। और यहां पे बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की, तो यहां पे जो है टीकेआर की प्रोबेबिलिटी जो है यहां पे 58 है, और टीकेआर ये मैच विन करके जाने वाला है, ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और यहां पे जो है फाल्कन की बात करें, फाल्कन जो है लगातार रिसेंट मैच में जो है सारे के सारे मैचेस पांच में से पांच लूज करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैच लूज करें बाकी के विन करें हैं, यहाँ पे नाइट राइडर जो कि टीकेआर है उसने, ठीक है, रिसेंट के मैचेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेस्ट फॉर स्मॉल लीग, बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग और डेथ ओवर बॉलर, इसमें किसको आपको सेलेक्ट करना है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में और यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर में, जो कि आपको एसएल जीएल और मिनी जीएल विन करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवीएफ से बात करें तो यहाँ पे इमाद वसीम और समर स्प्रिंगर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको काफी अच्छा करके दे सकता है और यहाँ पे स्मॉल लीग आपको विन करा सकता है, ठीक है। टीके आप से निकोलस पुरन और सुनील नारायण को आपको सेलेक्ट करना है स्मॉल लीग में, ठीक है, ये स्मॉल लीग में काफी अच्छा करके देंगे और ये आपको आराम से एसएल विन कराएंगे। अब बात करते हैं बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिसके साथ हम रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेंगे तभी हम जीएल विन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एवीएफ से जो है जस्टिन ग्रिव्स और यहाँ पे मोहम्मद आमिर के साथ आप रिस्क ले सकते हैं, और यहाँ पे टीकेआर की बात करें तो यहाँ पे ड्वेन ब्रावो और यहाँ पे किरण पुलाट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें डेथ ओवर बॉलर में, डेथ ओवर बॉलर में किसके साथ आप जा सकते हैं जो कि आपको काफी अच्छा विकेट निकाल के दे सकता है, तो यहाँ पे जो है एवीएफ से जो है मोहम्मद आमिर और टीकेआर से जो है टेरेंस हेंड्स और यहाँ पे मोहम्मद सिराज को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की, किरण पोलार्ड, जैसन रॉय और निकोलस पुरन, फखर जमन, ये आपके सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है। अगर इनको आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आपके 70-90% चांसेस हैं कि आप यहां पे एसएल आराम से विन कर सकते हैं। अगर आप इनको जो है जीएल में लगाते हैं तो जीएल में काफी कम चांसेस हैं, लेकिन अगर जीएल में आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, मान लीजिए एक सेफ और एक रिस्क वाले कैप्टन वाइस कैप्टन लगाते हैं तो आप जीएल विन कर सकते हैं। जैसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन आपके हो जाते हैं सुनील नारायण, कैसे करते हैं और यहाँ पे कॉफी जेम्स और यहाँ पे सैम ब्लिंग्स, ठीक है, तो इनको जो है आप रिस्क वाले टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर आपको जीएल विन करना है, मिनी जीएल विन करना है, तो आप इनको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं रिस्क के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी रोटेशन की बात कर लेते हैं, कौन से प्लेयर को आपको रोटेट करना है। अगर आपने यहाँ पे एक टीम में जो है जे ग्रिव्स को सिलेक्ट करा है तो उसके जगह पे आप उनको ड्रॉप करके किरण पोलार्ड के साथ जा सकते हैं। जे एंड्रू को अगर आपने सिलेक्ट करा है एन पुरन के साथ जा सकते हैं, एफएलएन को सिलेक्ट करा है तो एन एडवर्ड के साथ जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी और 4 o'clock में आपको टीम मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं टीम की, तो कौन से प्लेयर को आपको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सिलेक्ट कराया है निकोलस पुरन और जे एंड्रू, जो कि आपके काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी अच्छे विकेट कीपिंग करते हैं और यहाँ पे आपको बैटिंग भी करके देने वाले हैं, ठीक है। जैसन रॉय और यहाँ पे के कार्ती और एफ जवान को हमने सेलेक्ट करा है, सुनील नारायण, आई वसीम और यहाँ पे एस स्प्रिंगर को हमने सेलेक्ट करा है, जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, हमें अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे और ये जीएल एसएल मिनी जीएल विन करा के दे सकते हैं, ठीक है। एम अमीर और यहाँ पे जोशुआ लिटिल और डब्ल्यू सलाम को हमने सेलेक्ट करा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको हमेशा मिलता है हमारी टीम में यहाँ पे, और फाइनल टीम तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसन रॉय और यहाँ पे
फखर जमान को आप एक टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। सेकंड टीम की बात करें तो यहाँ पे इमाद वसीम और यहाँ पे सुनील नारायण को बना सकते हैं, ये आपके सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। सुनील नारायण और आप यहाँ पे एन पूरन के साथ जा सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पे थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो है जोशुआ लिटिल और सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं, जो कि आपके फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और ये फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन काफी अच्छा करके दे सकता है आपको यहाँ पे, ये बॉलिंग से और ये ऑलराउंडर बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, ठीक है, सुनील नारायण। तो इनको जो है आप सभी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा अगर आप ऐसी छह टीम बना रहे हैं तो, नहीं तो अगर एक टीम बना रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टीम मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में वहाँ पे टीम दी जाती है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, चार टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन हमने दे दिया है, आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना है, जय हिंद जय भारत।